सो आई कैन चैलेंज यू गाइज, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी एफिलिएट मार्केटर नहीं होगा, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको ये चीज फ्री में बताया होगा। आई कैन चैलेंज यू 101%। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज कॉपी राइटिंग एंड हाउ कैन यू बी अ मास्टर इन दिस फील्ड एंड यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स from just one formula that is called copywriting. Yes, my friend, आप सिर्फ एक formula से copywriting से याद रखो, दिमाग में याद रखो, copywriting से आप बहुत सारे products sell कर सकते हो affiliate marketing में। और आप कह सकते हो ये एक ऐसा weapon है जिससे sale की बाढ़ आ सकती है। Yes guys, मैं ये भी बोल सकता हूँ आपको कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पूरे YouTube पे जाके देखो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको फ्री में कॉपी राइटिंग बताया होगा आज तक। अगर कोई बताने की कोशिश भी किया होगा तो आपसे ढेर सारा ये मतलब पैसे, ढेर सारा पैसा चार्ज करेगा। $500 मिनिमम फीस है जो लोग कॉपी राइटिंग के बारे में बताते हैं, वो $500 मिनिमम फीस लेते हैं। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ क्या होती है कॉपी राइटिंग। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा ये सब है कॉपी राइटिंग। तो दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ प्रिडिक्ट कर लिया होगा अपने दिमाग में, वो सोच रहे होंगे कॉपी राइटिंग का मतलब इंगेजमेंट। कह सकते हो इंगेजमेंट, लेकिन इंगेजमेंट नहीं होता। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्दों को यूज करके एक ऐसी हेडलाइन लिखना जो मोस्ट एट्रैक्टिव हेडलाइन हो, मतलब एक बार में लोग उसको कैच कर लें। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, सो एग्जांपल ऐसे दूंगा, आई एम टी ए। सो क्या हुआ, ये एक सिंपल लाइन हो गई, आई एम टी ए इज अ सिंपल लाइन। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, आई एम द स्मार्टेस्ट मैन, माय नेम इज टी ए। सो क्या हुआ, स्मार्टेस्ट एक ऐसा वर्ड, या आई एम अ गोल्डन मैन एंड माई नेम इज टी ए, मतलब उसके आगे एक ऐसा लाइन जोड़ दिया, एक सेंटेंस जोड़ दिया जिससे थोड़ा सा मैं चमक गया, मतलब एक अटेंशन आ गई मेरे ऊपर। सो इसी चीज को बोलते हैं कॉपी राइटिंग, कि आप ऐसा लाइन लिख दो कि लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं कोई चीज कोई पैरा लिख रहा हूँ फेसबुक पे और वहां मैं लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ अपने पोस्ट की तरफ। ठीक है, सो मैं लिखूंगा ऐसे कि अगर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो अगर मैं लिखूंगा This is my success story, ठीक है, तो this is simple, मतलब मैं किसी पोस्ट की तरफ लोगों को अटैक कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ लिखूंगा This is my success story। तो क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है, This is my success story, बहुत लोग लिख सकते हैं, लोग मतलब यहाँ अटेंशन नहीं ले रहे। लेकिन अगर मैं लिखूँ This is my failure to success story, तो क्या यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, failure to success story, मतलब यहाँ फेलियर भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रहा है, तो लोग क्या इंटरेस्ट लेंगे, क्यों, क्योंकि लोग मेरा पास्ट भी देख रहे हैं, फ्यूचर भी देख रहे हैं। और लोगों को ज़्यादातर मतलब इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजी में ऐसा मानना है कि वो लोग फेलियर चीज़ें मतलब बुरी चीज़ों की तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। तो फेलियर टू सक्सेस स्टोरी, तो दिस इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। और गाइस, मानोगे नहीं आपकी, इस चीज़ का लोग 500 से स्टार्टिंग चार्जेस लेते हैं सिर्फ कॉपी राइटिंग सिखाने का। और इट्स वेरी वेरी इजी, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझ के चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप कॉपी राइटिंग सीख सकते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में जो हेडलाइन दी रहती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉपी राइटिंग। एंड कॉपी राइटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो डैट यू नो मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री। सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग के बारे में बता सकता हूँ, बस आपको नीचे कमेंट करना है आई वॉन्ट मोर, और इस वीडियो को शेयर करना है अपने 3 दोस्तों के साथ। प्लीज़ गो एंड शेयर एंड कमेंट बिलो, एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लाने के लिए। कॉपी राइटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट, आपका साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।